चीन में स्कूल नौणी ने अपना 27वां वार्षिक समारोह का आयोजन किया। समारोह की अध्यक्षता खादी ग्राम बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने की। इस मौके पर विद्यार्थियों ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। वही स्कूल की प्रधानाचार्य ने कार्यक्रम के दौरान स्कूल की उपलब्धियों की रिपोर्ट भी मुख्य अतिथि के समक्ष पढ़ी। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि ने शिक्षा और खेल क्षेत्र में अव्वल रहे विद्यार्थियों को पारितोषिक देकर सम्मानित किया और अन्य विद्यार्थियों को उनकी तरह बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए भी प्रेरित किया। चीन में स्कूल नौणी ने अपना 27वां वार्षिक समारोह का आयोजन किया। समारोह की अध्यक्षता खादी ग्राम बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने की। इस मौके पर विद्यार्थियों ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वही स्कूल की प्रधानाचार्य ने कार्यक्रम के दौरान स्कूल की उपलब्धियों की रिपोर्ट मुख्य अतिथि के समक्ष पढ़ी। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि ने शिक्षा और खेल क्षेत्र में अव्वल रहे विद्यार्थियों को पारितोषिक देकर सम्मानित किया और अन्य विद्यार्थियों को उनकी तरह बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए भी प्रेरित किया। खादी ग्राम बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने बताया कि चीन में स्कूल में पुरानी शिक्षा पद्धति के आधार पर नवीन तकनीक के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिसकी वजह विद्यार्थी अपनी पारंपरिक परंपराओं के साथ जुड़कर अपना सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस स्कूल के विद्यार्थियों ने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि खेलों में भी स्कूल का नाम रोशन किया है। उन्होंने बताया कि जिस स्कूल में विद्यार्थियों को पारंपरिक शिक्षा पद्धति का आधार मानकर मानव मूल्यों की जानकारी भी शिक्षा के साथ साथ दी जा रही है, जो एक सराहनीय कदम है। बच्चे जिनकी प्रस्तुतियां देखकर लगता है कि ऑलराउंड डेवलपमेंट जो बच्चे की होनी चाहिए, वो उसमें ये विद्यालय बिल्कुल एक प्रथम क्लास में पास हो रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। बच्चों ने चाहे देशभक्ति के संबंधी प्रस्तुतियाँ थी, चाहे वो सामाजिक सरोकार से संबंधित विषय थे, चाहे स्वच्छता का विषय था, चाहे हमारे जो प्लास्टिक के जो दुष्प्रभाव हैं, दुष्परिणाम हैं उसके ऊपर, और अन्य भी शिक्षा पद्धति के ऊपर जो इन्होंने प्रस्तुतियां दी हैं, और जिस तरह से खेल के क्षेत्र में और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बच्चों ने अपने आप को एक अग्रणी भूमिका निभाते हुए यहाँ पर जो इनाम प्राप्त किए हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ कि भारत की पुरानी शिक्षा पद्धति और उसको आधार मानकर जो ये विद्यालय काम कर रहा है, मैं विद्यालय प्रशासन को और इसके मैनेजमेंट को सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आज 27वें इस एनुअल फंक्शन के ऊपर। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।